हेलो स्टूडेंट्स आई एम बैक विथ सम मोर टॉपिक्स ऑफ योर क्लास टेंथ फिजिक्स तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कपल के बारे में पढ़ दिया था व्हाट इज कपल? दैट्स दैट्स व्हाट वी हैव रेड इन लास्ट लेक्चर है ना? कपल क्या होता है उसके कुछ एग्जांपल्स uh, भी हमने समझा था जैसे किसी नट को ओपन करना है या रिंच को रोटेट करना है तो वो कैसे करते थे कपल की नेसेसिटी क्या होती है और ये बात हमने समझी थी कि एक्चुअली जो रोटेशन होता है उसके लिए हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस की जरूरत पड़ती है ठीक है कुछ केसेस में हमने समझा था कि जो पेयर ऑफ फोर्स में एक फोर्स हम एग्जर्ट करते हैं और दूसरा फोर्स जो होता है वो बॉडी पर रिएक्शन फोर्स होता है जैसे डोर के केसेस में हमने समझा था कि जो हिंजेस होती हैं उन हिंजेस पर एक रिएक्शन फोर्स होता है जो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं The the force force exerted by us and reaction developed each other to iski wajah se wahan pair ban jata tha aur इसकी वजह से hai wo बन जाता था और वो पेयर जो है दोर को कर देता था, जिससे हम डोर को ओपन या शट कर पाते थे लेकिन जहां पर हमको ज्यादा टॉक चाहिए होता है जहाँ पर हमको ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है टू तो रोटेट अ बॉडी उस जगह पर हम रिएक्शन फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते वहां हमें क्या करना पड़ता है वहां हमें पेयर के दोनों फोर्सेस खुद अप्लाई करने पड़ते हैं वी हैव टू अप्लाई बोथ द फोर्सेस फॉर्मिंग पेयर ओनली ओके हम उनमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक फोर्स हम लगाएं और एक फोर्स के लिए हम रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करें क्योंकि हमें ज्यादा टॉक चाहिए ठीक है तो उस केस में क्या होता है कि पेयर के दोनों फोर्सेस हम ही लगाते थे ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके कुछ और एग्जांपल थे जो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो जैसे यू कैन सी हियर दिस एग्जांपल ओपनिंग ऑफ टैप और क्लोजिंग ऑफ तो इसमें क्या होता है आप यहां पर देखो इस एग्जाम्पल में टैप देखा है ना टैप को जब आप ओपन या क्लोज करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो आप उस पर इस तरीके से थम से फोर्स लगाते हो एक डायरेक्शन में और फिंगर से फोर्स लगाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है कि फिंगर और थम दोनों मिलकर उस टैप पर रिक्वायर्ड कपल क्रिएट कर देते हैं और वो कपल उस पर टॉक डेवलप करता है उस टॉक की वजह से वो टैप की जो ये की है ये रोटेट हो जाती है एंड दैट्स हाउ यू ओपन और क्लोज इट ठीक है सिमिलरली वेन यू टाइटन और ओपन द कैप ऑफ अ बॉटल यू डू द सेम थिंग एज यू कैन सी हियर थंब अप्लाई फोर्स इन वन डायरेक्शन एंड फिंगर्स अप्लाई द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ठीक है सिमिलरली दिस एग्जाम्पल किसी लॉक में की को टर्न करना या स्टेयरिंग रोटेट करना है ना स्टेरिंग रोटेट करना वेरी कॉमन एग्जाम्पल ना यू हैव सीन ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते टाइम पर अगर बड़ा स्टेयरिंग है दोनों तरफ से पकड़ के चलाया जाता है उसको तो क्योंकि छोटा स्टेयरिंग है तो उस पर आप क्या कर देते हो छोटे स्टेरिंग पर आप इजीली टॉक क्रिएट कर सकते हो ठीक है आप पावर तो स्टेयरिंग है तो उसमें और भी इजी हो गया फिलहाल पावर स्टेरिंग वगैरह तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है याँपर. यहाँ पर यहां तो हमें समझना है स्टेरिंग का रोटेट करना क्या है दैट टू रोटेट एनी बॉडी वी नीड टॉक अब टॉर्क क्या है बड़ा स्टेयरिंग है टॉर्क ज्यादा चाहिए तो टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है तो क्या करते हैं उसको दोनों साइड से पकड़ा जाता है ठीक है एज यू कैन सी हियर कि एक साइड से फोर्स ये लगाया जा रहा है और एक साइड से फोर्स ये लगाया जा रहा है तो यहां से जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ट से यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ट से एंड दिस इज हाउ द स्टेयरिंग इज रोटेटेड ठीक है या यू कैन सी कि यहां पर जो फोर्स है ये टेंजेंशियल होगा इस तरीके से और यहाँ पर ये यह टेंजेंशियल जस्ट ये फोर्स और ये फोर्स ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे अपोजिट होंगे ठीक है ये टेंजेंशियली टेंजेंशियली यू कैन सी इट इज टेंजेंशियली इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज टेंजेंशियली इन दिस डायरेक्शन सो दे क्रिएट अ कपल एंड दिस कपल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ दिस स्टेयरिंग ठीक है तो ये सब हम लोगों ने कल भी समझा था कि कपल क्या होता है और आज उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स ऑफ समझ लिए ठीक है आई थिंक इट इज क्लियर अप टू दिस तो अभी क्या है जैसे ये सारी एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे जैसे टर्निंग ऑफ की इन अ होल ऑफ लॉक बाइंडिंग अ अ क्लॉक विद की टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार पुशिंग पैडल्स ऑफ बाइसिकल ठीक है जो बाइसिकल के पेडल्स होते हैं उनको पुश करने के लिए भी हमको उसी तरीके से फोर्स चाहिए होता है क्लियर सो दीज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कपल ठीक है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है रोटेशन में हमेशा कपल की जरूरत पड़ गई यहां कपल के दोनों फोर्सेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं जबकि कुछ केसेस ऐसे थे जो हमने कल डिस्कस किए थे डोर का केस था जैसे उसमें हम क्या कर रहे थे उसमें एक फोर्स हम प्रोवाइड करा रहे थे और दूसरा फोर्स जो था वो रिएक्शन फोर्स था जो कि अपने आप डेवलप हुआ था आई थिंक इट इज क्लियर नाउ मोमेंट ऑफ कपल अब क्या है कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है ठीक है तो चलो इसे समझते हैं मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है वेरी सिंपल देखो मोमेंट ऑफ कपल के लिए क्या है मोमेंट ऑफ कपल अब जरा मोमेंट ऑफ कपल को समझते हैं देखो जैसे ये कोई बीम है सपोज इट इज अ बीम ठीक है ये इसका पॉइंट ए हो गया ये पॉइंट बी हो गया और ये इसका एक पॉइंट हो गया ओ पॉइंट ओ जो है ये वो पॉइंट है जिस पर की बीम रोटेट करने के लिए फ्री है यानी पॉइंट ओके द ओके द लेंथ ऑफ द बीम इज बी द लेंथ ऑफ द बीम इज बी नाउ कपल वी आर टॉकिंग अबाउट कपल तो कपल में क्या होता है एक फोर्स लगेगा जैसे इस डायरेक्शन में ये एफ लग गया ठीक है और इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन पैरल टू द अर्लियर फोर्स तो सेकेंड फोर्स क्या आ गया एफ हो गया लेकिन पॉइंट बी पर लेकिन पॉइंट ए पर एफ जो है एज यू कैन सी इट इज डाउनवर्ड एंड पॉइंट बी पर जो फोर्स है वो अपवर्ड है ठीक है अब देखो पॉइंट ओ के अबाउट अगर ये फोर्स एफ नहीं लगाए ठीक है थीके? सिर्फ हम पहले बी पर जो फोर्स है उसको कंसिडर ना करके सिर्फ ए वाले फोर्स को देखे तो ए वाला जो फोर्स है ये फोर्स पॉइंट के अबाउट ऐसे ही तो रोटेट करेगा आपको क्या करना होता है सिंपल कि जो भी फोर्स है उस फोर्स से पॉइंट ऑफ रोटेशन की तरफ जाना होता है एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए ठीक है बस उससे आपको पता चल जाएगा क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है तो अब ए पॉइंट पर जो फोर्स है ए से ओ की तरफ जाओगे ठीक है फोर्स की डायरेक्शन को लेकर तो कैसे जाओगे ए से ओ की तरफ यानी एफ जो ए पर लगा है उससे ओ की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे इस तरीके से तो जाओगे दिस इज हाउ यू विल गो टूवर्ड्स पॉइंट ओ तो ये क्या हुआ एंटी क्लॉक हो गया ठीक है अब पॉइंट बी पर पहुंच जाओ तो पॉइंट बी पर क्या होगा पॉइंट बी पर अगर आप देखो तो पॉइंट बी पर भी यही होने वाला है पॉइंट बी पर क्या हो रहा है यहाँ पर कि पॉइंट बी पर भी आप एफ से ओ की तरफ चलो ये आ गए एफ से ओ की तरफ ठीक है एफ से ओ की तरफ क्लियर तो ये भी कैसा हुआ एंटी क्लॉक वाइज एफ से ओ की तरफ पॉइंट बी से आए तो वो भी क्या हुआ एंटी क्लॉक हुआ और ए से आए वो भी एंटी क्लॉक अब जरा समझते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एफ एट एंड ए एंड ए पर मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मुला क्या था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ रोटेशन तो एक्सेस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन तो ओ हो गया एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यही डिस्टेंस तो हुई और इस डिस्टेंस को हम ए ओ लिख सकते हैं तो एफ इन टू ए गया सिमिलरली मोमेंट ऑफ एफ एट एंड बी एंड बी पर जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा अब एंड बी पर फोर्स कौन सा लगा एफ और यहां पर आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा याद रखना जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है तो ये कितनी हो जाएगी बी ओ, तो आप यहाँ पे लिख लोगे एफ इन टू क्लियर अब टोटल मोमेंट टोटल मोमेंट क्या होगा टोटल मोमेंट इसके लिए आप समझो जरा ये जो था ये भी एंटी क्लॉक था ठीक है और ये वाला जो था ये भी एंटी क्लॉक वाइज था ना दोनों ही क्या है एंटी हो तो भी ओ की तरफ जा रहे हो तो भी एंटीक्लॉक है ना जो टॉर्क होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर यह दोनों सेम डायरेक्शन तो में तो क्या होंगे एडअप हो जाएंगे और पॉजिटिव तो इसका मतलब एफ तो दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको जैसे आप टोटल निकालो तो क्या हो जाएगा एफ इंटू एओ प्लस एफ इनटू बीओ अब एफ तो कॉमन आ गया ए प्लस बी ओ अब यहां पर देख लो ए प्लस बीओ इज इक्वल टू ए बी आप देख रहे हो ना यहां पर एओ प्लस बीओ इज इक्वल टू कितना आ रहा है ए ओ प्लस बी ओ इज इक्वल टू आ रहा है ए बी तो यहां पर अगर आप इस बात को समझो तो एओ प्लस बी ओ को आप क्या लिख लोगे सिंस एओ प्लस एओ प्ल बी ओ प्लस बी ओ इज इक्वल टू ए बी एंड देयर फोर जो टोटल मोमेंट आया वो कितना हो गया एफ इंटू ए बी अब ए बी की वैल्यू क्या थी ए बी की वैल्यू थी टी तो टोटल मोमेंट आपका यहाँ पर F into Clear? क्या आ गया एफ इंटू टी क्लियर और डायरेक्शन क्या होगी इसकी एंटी क्लॉक वाइज क्लियर है ये पॉइंट अब यही बात इन्होंने यहाँ पर बुक में एक्सप्लेन की है ठीक है तो बुक में जो बात एक्सप्लेन की है एक बार उस बात को समझ लेते हैं यहाँ पे यही बात उन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है एक बार समझते हैं इसे ठीक है तो देखो यहाँ इन्होंने क्या समझाया है इन्होंने ये कहा है कि सपोज करो कोई बार है ए बी विच इज पाइवोटेड एट पॉइंट ओ एंड ए एंड बी आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस इज ए बीवस टू डी ठीक है और ये जो ए बी है ये जो ए बी है इसको क्या कहते हैं ए बी को कहते हैं हम कपल आर्म क्या कहते हैं तो ए बी क्या होता है ए बी होता है हमारा कपल आर्म क्या होता है ए बी ये जो ए से बी तक की डिस्टेंस थी ना डी ये हमने जो समझी थी इसका नाम है कपल आर्म ओके तो यहां पर इन्होंने आ, बुक में यही बात समझाई है कि ए बी विच इज कॉल्ड कपल आर्म अभी क्या है आपने क्या करा आप दोनों फोर्सेस जो हैं द टू फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन अब क्योंकि ये एक पॉइंट ओ पर फिक्स है ना यहाँ पर तो ये दोनों फोर्स इस बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते इसका एक और रीजन है क्योंकि इनका रिजल्टेंट ट्रांसलेशनल इफेक्ट क्या है जीरो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं इक्वल फोर्सेस तो रिजल्टेंट सम क्या आएगा जीरो इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन नहीं दे सकते सो इट विल नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन बट ईच फोर्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट ऑन द बार इन द सेम डायरेक्शन दस द टू फोर्सेज टूगेदर फॉर्म अ कपल विच रोटेट्स द बार अबाउट पॉइंट ओ ठीक है ये फिर वही बात जो यहाँ आपको यहां पर बताई है वही बात यहाँ एक्सप्लेन की है उन्होंने ठीक है आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर कि किस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है इसे कि जो कपल होता है वो किस तरीके से वर्क करता है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब मोमेंट ऑफ फोर्स तो यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोगों ने जैसे समझा था तो कपल में क्या हुआ कपल में ये दो चीजें के आई हमारे सामने एक तो फोर्स ठीक है वन इज फोर्स और दूसरा क्या है डी इनटू डी डी क्या है डी है कपल आर्म ठीक है तो फोर्स इनटू कपल आर्म क्लियर सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ कपल इसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ कपल का इट इज टोटल मोमेंट और इस टोटल मोमेंट को हम एक और नाम क्या दे सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल क्लियर एज यू कैन सी हियर मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस और कपल आम क्लियर इट इज नाउ नेक्स्ट इज इक्विब्रियम ऑफ बॉडीज क्या है अगला टॉपिक

और अगर बॉडी पाइवोटेड है इफ द बॉडी इज पाइवोटेड और फिक्स्ड एट अ पॉइंट देन क्या होगा तो ये जो फोर्स था सिंगल फोर्स ये उस बॉडी को रोटेट कर सकता है पढ़ा था हमने बट अंडर सम सरकमस्टेंसेस कुछ सर्टेन सरकमस्टेंसेस में क्या होता है इट इज पॉसिबल टू अप्लाई अ नंबर ऑफ फोर्सेस सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो क्या हो रहा है यहां पर अगर आपने इतने फोर्सेस लगा दिए किसी बॉडी पर कि उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट सम है वो क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है इस बात को जरा यहां समझो कि कैसे जीरो हुआ तो इसके लिए यहां पर अच्छे समझे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है वॉट इज इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या है इक्विलिब्रियम समझने के लिए अब जरा समझो क्या सपोज करो एक बॉडी थी ये ठीक है सपोज इट इज अ बॉडी

इधर द बॉडी विल गो राइट वर्ड्स नॉर लेफ्ट वर्ड्स बॉडी विल बी स्टेशनरी एट इट्स पॉइंट क्यों क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स में क्या हुआ इस केस में रिजल्टेंट फोर्स रिजल्ट इक्वल टू जीरो और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, कि होता है तो एम ए जीरो होने का मतलब क्या हो गया अब एम तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना किसी बॉडी का मास जीरो होता है या नहीं होता तो क्या हो जाएगा एक्सलेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है या तो वो रेस्ट में रहेगी और या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का जीरो है तो या तो वो बॉडी रुकी हुई है यानी उसका जो वेलोसिटी और स्पीड है वो भी जीरो है और या फिर क्या है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में समझ में गई बात ये जो इक्विलिब्रियम आप लोगों ने यहाँ पे समझा ये इक्विलिब्रियम था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और वी कैन से इट इज सेल्सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है क्लियर अच्छा अभी क्या था जैसे यहाँ पर हमने समझा कि ये जो बॉडी थी इस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो था ठीक है तो इसकी वजह से ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही थी ऐसा भी हमने प्रीवियस एक एग्जांपल में समझा Now consider another example. Suppose a body is under a situation in which this is a body, it is fixed at this point, there is a force F1 and there is a force F2, body is free to rotate about point O. But the problem is that this anti clockwise moment F1. into suppose this point is a and this point is b so f1 into ab ye moment ho gaya and dusra moment hai f2 into sorry here this moment will not be f1 into ab it would be f1 into ao हम सिर्फ F1 का moment निकाल रहे हैं तो F1 का moment क्या होगा F1 वन इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये क्या हो जाएगी F1 वन इंटू एओ एंडर मूवमेंट इज एफ टू इंटू ओ बी लाइक दिस ठीक है तो अभी ये दोनों एफ वन का मोमेंट एंटी क्लॉक वाइज है एज यू कैन सी एंड एफ टू का मूवमेंट क्या है क्लॉक वाइज है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों मूवमेंट दोन एक दूसरे के इक्वल भी हो जाए तो क्या होगा कि ये मोमेंट F1 का मोमेंट कोशिश करेगा इधर घुमाने की एंटी क्लॉक और F2 टू विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी क्लॉक बट बिकॉज बोथ आर ट्राइंग टू रोटेट द बॉडी ए बी अबाउट पॉइंट ओ विथ इक्वल एफर्ट्स और इक्वल मोमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन सो नेट मोट नेट मोवमेंट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो बॉडी का नेट मोवमेंट क्या हो जाएगा अगर दोनों इक्वल हैं तो नेट मोमेंट क्या हो जाना चाहिए जीरो नहीं हो जाना चाहिए भाई इसको तुम घुमाना चाहते हो सपोज करो पॉइंट ए पर तुमने फोर्स लगाया है और तुम इसको घुमाना चाहते हो एंटी क्लॉक वाइज पॉइंट बी पर तुम्हारे फ्रेंड ने फोर्स लगा दिया और वो इसे घुमाना चाहता है क्लॉक वाइज तो अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक वाइज दोनों घुमाना चाहते थे तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों का जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो इक्वल है ठीक है अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे बट अभी के लिए एग्जांपल समझो कि दोनों का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो तो बॉडी एक्चुअली किस डायरेक्शन में घूमेगी किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमेगी ना क्योंकि दोनों का टर्निंग इफेक्ट इक्वल और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट सो द नेट रोटेशन विल बी जीरो दैट इज नेट टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो यही बात यहां पर सेकंड पॉइंट में यहां बताई गई है कि दूसरा इक्विलिब्रियम क्रिएट करने का तरीका क्या है द सम सम्जेब्रिक सम का मतलब दिस इज द टोटल सम ठीक है वेक्टर सम तो द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट इज जीरो सो दैट दे डू नॉट चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी और इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम ये क्या है रोटेशनल इक्विबियम ठीक है तो अगर हम दोनों को सम अप करें तो हमें क्या पता चलता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट

द स्टेट ऑफ लीनियर और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी अगर बॉडी मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली लीनियर मोशन करती रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और अगर बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेशनल मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली रोटेट होती रहेगी अगर वो रोटेट नहीं कर रही थी तो रोटेट नहीं करेगी चाहे आप उस पर जब फोर्स लगा रहे हैं जब फोर्स नहीं लग रहा है तब तो कोई चेंज होता ही नहीं है फोर्स लगाने पर भी अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो ऐसी स्टेट को कहा जाता तो आप देखिए इक्विलिब्रियम कितने टाइप का हो सकता है इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स कितने टाइप का हो सकता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर फोर्स लगा दिया जाए फिर भी वो रेस्ट में रहे फोर्स लगा दिए जाए और इसके बाद भी ना तो बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन हो ना बॉडी में रोटेशनल मोशन हो बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहे तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर अगर बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं ठीक है और उन सबका रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ठीक है body, zero, rest, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट एज यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल्स लाइक ये एक ब्लॉक है इस ब्लॉक पर एक फोर्स राइट वर्ड्स लगा हुआ है एक फोर्स लेफ्ट वर्ड्स लगा हुआ है So, the effect of rightward force will be cancelled by the effect of left, leftward force. And the resultant effect of the force will be zero. So, the body will neither move rightward nor leftward. It will remain at its place. Another example is students, the book is placed on the table. Let's uh, see. It. Let's understand it by a diagram. So, suppose this is a book. This is a book. Okay. And it is placed on the table. What is ये एक टेबल पर ऐसे रखी हुई है ओके okay? तो अभी क्या होगा ये एक टेबल था जिस पर ये बुक ऐसे रखी हुई थी तो जब इस टेबल पर ये बुक इस तरीके से रखी है तो इस पर हमें हमने नाइन्थ क्लास में कॉन्टेक्ट फोर्सेस पढ़े थे इफ यू रिमेंबर देन हमने कॉन्टेक्ट फोर्सेस पढ़े थे वो क्या बताते थे वो ये बताते थे कि अगर ये कोई टेबल है इस टेबल पर ये एक बुक रखी है और इस बुक का वेट कहाँ है नीचे की तरफ जो बुक का वेट होगा इट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स ठीक है तो वेट नीचे की तरफ होगा और यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो कि ऊपर की तरफ होगा इट विल बी नॉर्मल रिएक्शन ठीक है और क्या होगा ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट आर और एम क्या होंगे इक्वल होंगे आर एम जी इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा नेट फोर्स हो जाएगा जीरो एंड देयर फोर द बुक विल रिमेन ऑन द टेबल एज लॉन्ग एज विल नॉट टेक इट अप अंडरस्टूड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ये तो बुक वाला ही हो गया ठीक है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा था तो हो गया अब ये क्या कह रहा है ना बीम बैलेंस बीम बैलेंस देखी है अरे वही तराजू सब्जी वाले लेकर घूमते हैं उसी को कहा जाता है बीम बैलेंस तो बीम बैलेंस है उस पर क्या है दो पेन है ठीक है अब वो दोनों पेन पर वेट रखा गया है एक पर वेट रखे जाते हैं और एक पर जो सामान देना है वो रखा जाता है तो अब देखो क्या होता है बीम बैलेंस में देखा होगा वैसे तो आप लोगों ने बट फिर भी एक बार समझ लेते हैं इस तरीके से होता है अभी जो डायग्राम बनाया था वैसे ही कि ये इस तरीके से यहाँ पर एक हुक होता है ठीक है ये हुक वर्टिकल होता है तो इसका मतलब दोनों पर नेट मोमेंट जीरो है इक्वल अपोजिट है तो नेट उनका जीरो आ जाएगा क्योंकि तो इस साइड जो नेट मोमेंट है इस साइड का फोर्स क्या होगा सपोज करो ये फोर्स एफ वन है एक तरफ के पेन का और दूसरी तरफ के पेन का जो फोर्स है वो एफ टू है और ये डिस्टेंस क्या हो गई मान लो डी वन हो गई और ये डिस्टेंस कितनी हो गई डी टू हो गई रोटेशनल पॉइंट से जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी उस पॉइंट से और जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उन पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है इस बात को हमेशा याद रखो तो अब अगर एफ वन इंटू डी तो इक्वल हो गए लाइक दिस एज इज शोन हियर और दोनों की डायरेक्शन ऑफ टर्निंग इफेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है ये F1 वन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और F2 टू क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस केस में क्या होगा नेट मोमेंट क्या हो जाएगा नेट मोमेंट विल बी जीरो अब क्योंकि पहले से तो वो रोटेट नहीं कर रही ना बीम पहले से वो रेस्ट में है और अब फिर से जब उस पर नेट मोमेंट जीरो हो गया तो बीम क्या होगी रेस्ट में रहेगी तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम ठीक है अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेज रखे हैं ठीक है मैनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी बट स्टिल द बॉडी डेट ऑफ मोशन इसके बाद भी बॉडी में उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है यानी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ठीक है मतलब अगर सपोज करो कि कि किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सपोज कि कोई बॉडी है जैसे ये बॉडी थी मान लो ये वी वेलोसिटी से चल रही थी ठीक है और इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में है एक फोर्स ऐसे लगाए एक फोर्स ऐसे लगाए मैनी फोर्सेज दीज ऑल आर द फोर्सेज ठीक है forces, forces, ये सारे फोर्स लगे हैं बट अभी भी ये बॉडी बी वेलोसिटी से ही चल रही है अभी भी क्या हो रहा है इतने सारे फोर्सेस लगने के बाद भी ना तो इसने डायरेक्शन चेंज की बॉडी ने अपने मोशन की और ना बॉडी ने अपने मोशन का जो स्टेट uh, था यानी मैग्नीट्यूड था वो चेंज किया उसी वेलोसिटी से जिससे बॉडी पहले चल रही थी उसी वेलोसिटी से अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे जो फोर्सेज एक्ट कर रहे थे बॉडी पर इन सबका नेट इफेक्ट क्या हो गया जीरो अभी तो बॉडी अपनी जगह पर है सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो तो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन जिसमें वो चल रही थी उसमें भी उसी में अभी भी चल रही है जबकि इतने सारे फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम ठीक है व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में है या रोटेशनल मोशन में है, वो किसी भी मोशन में है लेकिन अगर बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रही यानी यूनिफॉर्म मोशन में है उस पर फोर्सेस अप्लाई करने के बाद भी आपने उस पर फोर्स अप्लाई किए इससे ना तो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज हुआ ना बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हुआ बॉडी उसी रेट से उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में इसमें वो कहा जाता है इसका एग्जांपल है ऐसे एक ड्रॉप है ठीक है तो ड्रॉप जो है वो जब अर्थ के सरफेस पर आती है आइडियल केस उन्होंने लिया है कि जब ड्रॉप अर्थ के सरफेस पर आती है तो उस टाइम क्या होता है कि उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है अब जरा प्रैक्टिकली समझते हैं कि कांस्टेंट क्यों रहता होगा ठीक है जरा समझते हैं ठीक है इसमें हम बहुत लिमिटेड uh, फोर्सेस का डिस्कशन uh, करेंगे क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं जो आपको नहीं पता ठीक है तो हम क्या करेंगे उन सारे फोर्सेज को एक कॉमन वर्ड यूज कर लेंगे उनके लिए अपोजिंग फोर्स force, जो फोर्सेज के बारे में हमको नहीं पता क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो आप हायर स्टैंडर्ड में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं तो उन सारे फोर्सेस को हम अभी अपोजिंग फोर्स के नाम से समझेंगे ठीक है तो अब जरा बात को समझिए कि यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि सपोज कीजिए कि कोई रेनड्रॉप है ठीक है ये सपोज करो एक रेनड्रॉप है है ना अब ये रेनड्रॉप नीचे आ रही है और यहाँ पर बहुत सारी एयर भी है क्या है दिस इज एयर ओके ये जो दिखाया है मैंने ये क्या है एयर है ठीक है इट इज एयर अब क्या है ये रेनड्रॉप नीचे आ रही है तो इस पर क्या है एक तो इसका वेट है एम जी रेनड्रॉप का नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है दूसरा क्या है कि एयर जो है वो इस पर फोर्स लगाती है अपोजिंग फोर्स दो टाइप के लगते हैं एक तो फोर्स लगता है बॉइंट फोर्स जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ब्वाइंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं तो एक तो वही होता है ब्वाइंट फोर्स ये हमेशा किसी भी फ्लूड जब भी किसी फ्लूड में कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर लगता है और दूसरा एक और फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लगता है और वो है विस्कस फोर्स अब ये विस्कस फोर्स क्या है ये समझ लीजिए आप अभी के लिए कि विस्कस फोर्स जो है जैसे सॉलिड सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन लगता है ना वैसे ही जब कोई बॉडी किसी फ्लूड में मूव करती है तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम विस्कस फोर्स कहते हैं इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन यू विल बी इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड ओके तो ये जो विस्कस फोर्स है ये विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स ये दोनों का सम जो है वो क्या करता है वो वेट एम जी को क्या कर लेता है एम जी को बैलेंस कर लेता है यानी सपोज करो कि बॉइंट फोर्स जो है आपका वो यू है विस्कस फोर्स है और बॉइंट फोर्स तो यू हो ही गया हमारा और वेट जो है वो डब्लू है वेट क्या है डब्लू तो इसे एफ वन रहने देते इसे फोर्स को हम एफ ले लेते हैं और ये जो है हमारा वेट ये क्या है इट इज डब्लू ठीक है तो वेट इज डब्लू तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जहां पर डब्लू जो है दैट विल बिकम इक्वल टू एफ प्लस यू और डायरेक्शन तो अपोजिट है तो डब्लू इज इक्वल टू एफ प्लस यू हो गया और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट इफेक्ट क्या हो गया नेट फोर्स जीरो हो गया अब नेट फोर्स जीरो होने के दो ही मतलब थे अभी आपको बताए थे फोर्स जीरो हुआ मतलब एम ए जीरो हो गया अभी बताया था इसका मतलब ए जीरो हो गया क्योंकि एम तो जीरो हो नहीं सकता एम कैन नॉट बी जीरो तो ए जीरो हो गया और इसके दो ही मतलब थे या तो रेस्ट अगर बॉडी पहले से रुकी है तो रुकी रहेगी लेकिन क्या ड्रॉप पहले से रुकी थी नहीं रुकी थी ये तो चल रही थी तो चल रही है तो क्या होगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी ठीक है ना इसका मतलब यही बात यहां बताई है कि द वेट ऑफ फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ फोर्स एंड द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर द द नेट फोर्स ऑन ड्रॉप इज जीरो सो इट फॉल्स डाउन विद द विदेंट वेलोसिटी अंडरस्टूड आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट एरोप्लेन जब उड़ता है तो अब एरोप्लेन जब किसी हाइट पर होता है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है ठीक है उसको कहा जाता है अपवर्ड लिफ्ट ठीक है और दूसरा उसका वेट होता है जो नीचे की तरफ होता है तो फिर से वही बात कि जैसे कोई ये एरोप्लेन है मान लो हम एरोप्लेन की शेप बस ऐसे ही बना लेते हैं ये एरोप्लेन है तो इसका वेट एम जी नीचे की तरफ हो गया और इस पर एक अपवर्ड लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ है ठीक है तो ये लिफ्ट और वेट दोनों क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल हो गए और जब दोनों ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हुए तो क्या होगा नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा तो यहां से अगर एरोप्लेन की हाइट एच थी तो ये एच हाइट पर ही उड़ता रहेगा अब अगर इसको नीचे लाना है तो क्या करना पड़ता है अपवर्ड लिफ्ट को कम करना पड़ता है मतलब इस फोर्स को डिक्रीज करना है अगर आप नीचे लाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कम करना पड़ेगा और अगर आप इसे और हाइट पर ले जाना चाहते हैं तो जो अपवर्ड फोर्स था वो इंक्रीज करना पड़ता है अंडरस्टूड

रोटेट किया और अभी हम हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात कर रहे हैं ठीक है वर्टिकल सर्किल में नहीं तो आपने क्या किया आपने उस स्ट्रिंग में एक स्टोन लिया और स्टोन को लेकर बांध कर एक सर्कुलर पाथ आपने ये सर्किल बनाया और फिर आपने एक ये स्ट्रिंग और ये वो स्टोन आपने इस स्टोन को घुमाना शुरू कर दिया ठीक है ये उस सर्किल का सेंटर हो गया क्लियर अब आप उस आप उस स्टोन को यहाँ से घुमाते तो अब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग इस है इसमें कुछ टेंशन होगा यहाँ पर एक टेंशन आ जाएगा ठीक थी? है अच्छा अब आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो आप समझिए और वैसे शायद आपने नाइन्थ में पढ़ा हो नहीं पढ़ा तो यहां समझिए कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है मतलब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तभी चलती है जब उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बारे में भी शायद हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर में बट अभी के लिए हम यहां पर सिर्फ इसका नाम समझ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसमें इस फोर्स का होना जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है लाइक दिस ठीक है तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कहां से आ रहा है आपने इसको घुमाना शुरू किया था जो स्ट्रिंग में टेंशन था ना टी क्या था टेंशन स्ट्रिंग में खिंचाव आ जाता है ना खिंच जाती है एकदम डोरी जो आप उसमें जो स्टोन है उसे बांधकर घुमा रहे हैं तो तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसी टेंशन से मिल रहा है यानी हियर दिस टी इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है टी जो है वो एफ के इक्वल हो रहा है टी एफ के इक्वल है तो इसलिए इससे क्या फायदा हो रहा है इससे रिक्वायर्ड सेंटीमीटल फोर्स मिल पा रहा है तो ये जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करती है रिवॉल्व करती है सॉरी तो रिवॉल्व करते टाइम पर ये बॉडी कंटिन्यूअसली इसी पाथ पर चलती रहती है और इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन इक्विलिब्रियम और वी कैन से इट डायनेमिक इक्विलिब्रियम ठीक है तो सिमिलरली द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन सिमिलरली जैसे यहाँ पर हो रहा था ना आपने देखा यहाँ जैसे ये यह हो रहा है इसी तरीके से जो मोशन होती है प्लानिट की सन के अराउंड या सैटेलाइट की प्लैनेट के अराउंड या इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के अराउंड एटम्स में ये सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं ठीक है इन ईच केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सारे केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है जैसे सन के अराउंड प्लेनेट घूम रहे हैं या प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड आपने नाइन्थ क्लास में एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसके लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये जो है जो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पर वही रिक्वायर्ड सेंटिपिटल फोर्स दे रहे हैं और बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसकी वजह से क्या है वहां भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है क्लियर है ये बात इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा ठीक है ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा अब आगे बढ़ते हैं इसमें तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि इसका मतलब कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या निकलती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये निकलती है कि अगर आपको बॉडीज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो टू कंडीशन आर मस्ट पहली कंडीशन क्या है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो अगर आप इसको सिंपली समझें तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बॉडी पर F1, F2 और ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कहता है कि द एलजेबरिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो जिसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फोर्सेज यहाँ पर हैं अगर बॉडी में रोटेशनल इक्विलिब्रियम रखना है तो जितने भी फोर्सेज हैं उन सब का रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए टाव वन ये वेक्टर का साइन भी आप इनपे ऊपर लगा सकते हैं टाव वन प्लस टाव टू प्लस ऐसे ही चलते इट शुड बी इक्वल टू जीरो ऐसे ही आप यहां भी वैक्टर लगा सकते हैं तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए तो ये दोनों केस अगर सेटिस्फाइड हैं कहीं भी तो वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी क्लियर इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स now in the next lecture we will continue next topic that is principle of moments thank you students